आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ एमपी फॉर इंडस्ट्री सर्विसेज एंड ट्रेड की बिजनेस डेवलपमेंट मीट में पूर्व मुख्यमंत्री व कॉम्पिस्ट के मुख्य संरक्षक दिग्विजय सिंह ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के व्यापारियों के हित और उत्थान के लिए काउंसलिंग कर बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहमति दी है। उन्होंने कहा कि काउंसिल का जो नाम रखना है वह तय कर लें। वे पहली बैठक में खुद आएंगे जिसमें वे बोलेंगे कुछ नहीं बल्कि व्यापारियों की समस्या और सुझावों को सुनेंगे। उनकी सरकार का लक्ष्य व्यापारियों का विश्वास जीतना है। मुख्यमंत्री की घोषणा का प्रदेश भर से आए व्यवसायियों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत में 15 से 20 साल पहले जिनका नाम होता था वे पीछे चले गए हैं और जिनका नाम नहीं सुना था वे आगे आ गए हैं। यह परिवर्तन का नतीजा है। व्यापार में इस परिवर्तन को समझना होगा तब भी खुद और मध्य प्रदेश दोनों का उत्थान होगा। पहले के समय में 15 साल पहले 20 साल पहले चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की थी, शॉर्टेज कमी की। आज हमारे सामने चुनौती है एक्सेस की, ये बढ़ता हुआ उत्पादन, ये हमारे सामने चुनौती है। पहले कमी थी, चुनौती थी, कम हो गया, उत्पादन कम है। अब ये बढ़ता हुआ उत्पादन तो बढ़ गया, हमारी मंडी तो बढ़ी गई, इसकी हम कैसे खरीदी करेंगे? हमने किसान को जो सिंचाई सुविधा दे दी, बीज दे दिए, खाद दे दिया, तरह तरह की योजनाओं से उसका उत्पादन तो बढ़ा दिया, पर हम अपना तकाब लेके बैठ गए। यही हुआ पिछले 3-4 साल में मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अनजान बने रहे तो जिस तरह कई व्यवसायियों का व्यवसाय बंद हो गया है वही हाल सबके होंगे। युवाओं में व्यापार करने की तड़प है, उन्हें अवसर देना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेंगी। इसके लिए गांव की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि 70% आबादी गाँव में रहती है। खेती और किसान इसका मुख्य हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अंचल में सक्रिय हुए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रस्तावित फूड लैबोरेटरी का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। सिंधिया बोले, मैं कलेक्टर और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से कहना चाहता हूं कि किसी भी मिलावटखोर को बख्शा ना जाए। मैं सुन रहा हूं कि छापा पड़ने के बाद भी मिलावटखोरों को छोड़ दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप ऑर्डर निकालो, आपके पूछे बिना कोई केस क्लोज नहीं होगा। सिंधिया बोले, इनका नारा है, जब तक है सिलावट प्रदेश में नहीं होगी मिलावट। शुद्धव के लिए युद्धव होना ही चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप किसी को राहत मत दे देना। मैं साफ कहना चाहूंगा कि जहां भी मिलावट हो वहां कार्रवाई नहीं, सीधे जेल भेजो। आज मैं अभी समझ रहा था हमारे माननीय मंत्री जी से कि उस दूध में किस तरीके की चीजें मिलाई जाती हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई निंदाजनक कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। अगर किसी और व्यक्ति को दूसरा मनुष्य जानकर जहर खिलाने की कोशिश करे, जहां जहां मिलावट पकड़ी जाए वहां सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं, जेल के सलाखों के पीछे इन लोगों को डालना। कार्यक्रम के मंच से स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, 365 दिन बाद इस लैबोरेटरी का आपको ही उद्घाटन करना है। मैंने विभाग को निर्देशित कर दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा। मुझे 1 जनवरी 2019 को स्वास्थ्य विभाग की बागडोर सौंपने वाले सिंधिया ही हैं। अगर कोई लक्ष्य पूरा कर सकता है तो वे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तीनों नई प्रयोगशालाएं उनकी ही देन है। सिंथेटिक दूध मावा पनीर से बीमारियों का पता चला तो मैंने सिंधिया जी से बात की, सीएम से बात की। पूरे मध्य प्रदेश में 41 रसूखा लगाई गई है और 7000 सैंपल लिए गए हैं। जो मिलावट करेगा जेल में होगा। मध्य प्रदेश के नेताओं और मंत्रियों में सबसे सहज माने जाने वाले जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा क्या घमंडी हो गए हैं? मंत्री बनने के बाद क्या पीसी शर्मा का व्यवहार बदल गया है या आम कार्यकर्ता अब पीसी शर्मा को रास नहीं आ रहे? इस तरह के तमाम सवाल पीसी शर्मा को लेकर किए जा रहे हैं। पीसी शर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम का है। पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं, तभी एक युवती मोबाइल से उनका वीडियो बनाना शुरू करती है।
इतने में उनका समर्थक एक कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पास आता है और जन्मदिन की बधाई के साथ उनके पैर छूने की कोशिश करता है। यह क्या उसकी सुनने या उसे आशीर्वाद देने के बजाय पीसी शर्मा उसका हाथ पकड़कर दबाते हैं और दोनों हाथों से पकड़कर उसे झटका देते हैं। उसके बाद गुस्से में आग बबूला मंत्री जी उसे भगाने का इशारा करते हैं। ये क्या ये एक और कार्यकर्ता उन्हें गुलदस्ता देने की कोशिश करता है। मंत्री जी उसे भी दाएं बाएं कर देते हैं। मंत्री पीसी शर्मा जी आप तो ऐसे ना थे, यही कार्यकर्ता तो आपकी ताकत है जिन्हें आप झटका दे रहे हैं। हो सकता है उस वक्त आपका मूड ठीक ना रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रशंसकों का अपमान करने लगे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपके समर्थक भी आपके इस व्यवहार से खिन्न नजर आ रहे हैं। मंत्री जी इस वीडियो को देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि इस बार गलती आपने की है। ये वक्त बदलाव का है, लेकिन आप तो इतना मत बदलिए कि आपको सर आंखों पर बिठाने वाले आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दें। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने अमित शाह से कमलनाथ की मुलाकात पर कहा कि पहले बताएं मुख्यमंत्री किसानों को कितना पैसा दिया अब तक। बहुत अन्याय किया जा रहा है, केंद्र से जो पैसा मिलेगा उसी से यह सर पर सेहरा बांधेंगे। आज तक कमलनाथ जी ने स्वरोजगार विवाह योजना का कोई आंकड़ा नहीं दिया, एक भी बेरोजगार नौजवान और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आज तक कमलनाथ जी ने जो स्वरोजगार योजना, युवा स्वाभिमान योजना, उसका एक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया, एक बात नहीं बताई कि किसको रोजगार दिया है। आज तक कमलनाथ सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में कहा था कि 4,000 रुपया महीना हम नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी बेरोजगार को, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कमलनाथ जी बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा उन्हें, और जो सजा देंगे वो भुगतूंगा। मिश्रा ने कहा, मैं सिंधिया जी से कहूंगा कि सरकार में मिलावट के खिलाफ युद्ध करें, हम उनके साथ हैं। सरकार में मिलावट के खिलाफ युद्ध लड़े, उन्होंने कहा, जब से कांग्रेस की सरकार आई है अपराध बढ़े हैं। हमने अपनी सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए योजनाएं चलाई, लेकिन पिछले 9 महीने में अपराध बढ़े हैं। गरियाबंद जिले के सबसे अधिक चर्चित गांव में शुमार होने वाला सुपेबेड़ा किडनी की बीमारी को लेकर सुर्खियों में है। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके सुपेबेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान एक विधवा महिला ने किडनी की बीमारी से पति के मर जाने के बाद रोजी रोजगार नहीं होने की बात कहते हुए बच्चों सहित मरने की इच्छा जाहिर की। बहुत से परिजनों ने रो रो कर राज्यपाल को अपनी व्यथा बतलाई। राज्यपाल ने कहा कि सुपेबेड़ा की समस्या को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव काफी गंभीर हैं और वे अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीणों को राहत मिले, और इनके प्रयास से जरूर परिणाम निकलेंगे, मैं आश्वस्त हूं। राज्यपाल होने के नाते ये मेरा भी फर्ज होता है कि इन तमाम सारी चीजों का समाधान हो और उस दिशा में प्रशासन शासन सक्रियता से काम कर रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने लगातार, जब से आप लोगों ने समाचार दिया है तब से माननीय मंत्री जी ने रोज मीटिंग और यहाँ पूरा कैंप आया कि नहीं, तो ये चीजें होती है, मीडिया भी एक बहुत बड़ा आईना होता है। किडनी पीड़ित गांव सुपेबेड़ा में 2005 से लगातार मौत का सिलसिला चल रहा है। 14 साल बीतने को हैं, लेकिन इस बीमारी से आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वर्तमान में 200 से अधिक लोग किडनी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनमें से कई गंभीर
पीड़ित जिंदगी की आस छोड़ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसे पीड़ितों को रायपुर स्थित अस्पताल में इलाज कराने के लिए मनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके भी पीड़ित ने सरकारी इलाज पर भरोसा नहीं जताया। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि डायलिसिस इलाज के दौरान परिजनों द्वारा ब्लड और महंगी दवाइयों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि गांव में तो कमाकर खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को इसकी प्राथमिकता के साथ व्यवस्था करते हुए पीड़ितों को इलाज दिलाने की मांग की जा रही है। डिजिटल प्रेस क्लब एवं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संयुक्त बैनर तले भोपाल के सायाजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डिजिटल मीडिया और बदलता मध्य प्रदेश विषय पर वरिष्ठ पत्रकारों और अतिथियों ने प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी ने फेक न्यूज पर कहा कि फेक न्यूज डिजिटल के दौर का अंधकार है। फिनलैंड दुनिया का इकलौता देश है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। उनका देश फेक न्यूज से मुक्त हो चुका है। भारत सरकार भी इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाए, स्कूलों में इंटरनेट और फेक न्यूज के प्रति बच्चों को शिक्षित किया जाए। फेक न्यूज उस अंधकार का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके बारे में मैं अभी आपसे एक मिनट में बात करूंगा, जो मेरा विषय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिजिटल जो हम समाज की बात करते हैं और डिजिटल की बात करते हैं, उसकी शक्ल क्या है। उसकी शक्ल यह है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ के आसपास इस समय हमारी आबादी है। इसमें से 120 करोड़ हमारे पास में आधार इस समय है, सरकार ने बाकायदा कहा है। इसका मतलब 120 करोड़ जो लोग हैं वो इस डिजिटल की सीमा में हैं, जब में हैं। उसके बाद में अगला डेटा आता है, वो आता है कि हमारे मुल्क में इस समय 110 करोड़ फोन है। उन 110 करोड़ फोन में से कोई 60 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन है, बाकी फीचर फोन है, गरीब गांव वालों के लिए वो सिर्फ हेलो हाय करते हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि ने कहा कि देश में तकनीक के विकास के साथ डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। आज 10% लोग सोशल मीडिया और डिजिटल पर निर्भर हैं। सरकार ने भी अब सोशल मीडिया डिपार्टमेंट शुरू कर दिया है। डिजिटल मीडिया में आज वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बेहतर कंटेंट के साथ उनके लिए रीच भी जरूरी है। प्रिंट मीडिया का जो क्षेत्र रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काफी कवर करने का प्रयास किया, और जब अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का प्रवेश हुआ है मध्य प्रदेश में, आज की तारीख में जो हमारा मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल का पेनेट्रेशन है उसको देखा जाए तो लगभग 12-15% है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रोल आर्मी काम करती है जो निष्पक्ष काम करने वालों के लिए खतरा है। तो आज इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी बड़ी शक्ति दे दी है कि हम हर किसी चीज को अफवाहों के माध्यम से, पहले अफवाह वर्ड ऑफ माउथ से होती थी, चौथी चल गई बाद में पता गोली चल गई। बस ये जो पहले जो अफवाहों का बाजार गर्म होता था, आज सोशल मीडिया अफवाहों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा, इस देश के लिए खतरा है, इस हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने सोशल मीडिया और डिजिटल साक्षरता विषय पर कहा कि सूचना की सत्यता परखने के लिए हमें कई अखबार पढ़ने की जरूरत है। अखबार सूचनाओं का गेटवे बन गया था, लेकिन सोशल मीडिया ने आकर गेटवे तोड़ दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिजिटल प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश भाटिया और आभार क्लब के सचिव विनय द्विवेदी ने किया। 25 मई 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की रैली पर हमला कर सीनियर व टॉप लीडरों सहित 32 लोगों की हत्या की थी। 5 साल बाद भी इसके मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। अब एनआईए ने झीरम के मोस्ट वांटेड नक्सलियों के पोस्टर अंदरूनी गांव में चस्पा कर संबंधितों को पकड़वाने की अपील की है। इन नक्सलियों के बारे में पुख्ता जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान दरभा के करीब झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला किया था। इसमें कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल सहित उनके पुत्र महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल और
अन्य नेता व आम नागरिक सुरक्षा में लगे नेताओं के अंगरक्षक मारे गए थे, जिसकी जांच के लिए स्थानीय स्तर से लेकर SIT और NIA जैसी एजेंसियों को नियुक्त किया गया। अब यह जांच एजेंसी वारदात में शामिल वांटेड नक्सलियों की तस्वीर लगे पोस्टर गांव-गांव में चस्पा कर रही है। पोस्टर में ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि संबंधितों की सूचना देने पर इनाम मिलेगा और नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। पोस्टर के मुताबिक अलग अलग नक्सलियों पर अलग अलग इनाम है। ग्राम कटारे पूर्वा में पिपरमेंट के टैंकर से सफाई का काम करते वक्त दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। कटारे पूर्वा में 6 माह से बंद पड़े हरि प्रसाद पटेल के पिपरमेंट प्लांट का टैंक साफ करके चालू कराया जाना था, जिसको लेकर 4 मजदूर प्लांट के टैंक में उतरे और साफ करने लगे। तभी अचानक टैंक से नाइट्रोजन गैस रिसने लगी और गैस के रिसाव की वजह से 4 मजदूरों का दम घुटने लगा, जिसकी जानकारी गांव के लोगों को लगी और वे मौके पर पहुंचे। गांव के लोगों ने 4 मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने मजदूर शिवम कुशवाहा और चरण कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में मंगल पटेल एवं रवि पटेल घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उधर घटना की जानकारी लगते ही ईशान नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हाँ, यहाँ बहुत दिन पहले से प्लांट में कचरा पड़ा हुआ था, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग वहाँ गए, तो उसमें हमारा एक भाई था, चचेरा भाई, उसने देखा तो वो उसमें उस जाल निकालने के लिए गया, उसमें एकाएक गैस बनी और वो उस गैस की चपेट में आ गया, उसी में बेहोशी की हालत में उसमें गिर पड़ा। फिर उसमें दूसरा भाई भी गया, उसने भी देखा, उसको बचाने के लिए वो भी उसी हालत में हो गया। अन्य ग्रामीण भी उनको देखा और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 की मौके पर ही डेथ हो गई और 2 बाकी अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। कटारे के पुरमा में हरि प्रसाद पटेल का पेपरमेंट का प्लांट था, जो करीब जुलाई से बंद था, तो उसको चालू करने के लिए शिवम हरि प्रसाद के लड़का शिवम कुशवाहा और उनके भतीजा चरण कुशवाहा चरण पटेल ये साफ करने के लिए सफाई करने के लिए गए, तो टंकी में जैसे ही उतरे तो फिर वापस नहीं लौटे, तो उन्हें बचाने के लिए 2 लोग और गए, तो उन भी बेहोश हो गए थे। फिर जो इन लोगों को जिला अस्पताल इलाज के लिए ले गए, जो शिवम कुशवाहा और चरण कुशवाहा, डॉक्टर ने मृत्यु बताई, मौत हो चुकी है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ हैं। कवर्धा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक 4 पहिया वाहन में 1.25 क्विंटल गांजा रखा हुआ था, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। पंडरिया थाना इलाके में तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और वह इसे मध्य प्रदेश भेजने की फिराक में थे। छतरपुर एक बार फिर मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने उपासना प्रजापति अपने 3 बच्चों के साथ मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। महिला ऐसा कुछ कर पाती कि उससे पहले उसे रोक लिया गया। महिला का कहना था कि 6 महीने पहले बरा गांव के कुछ दबंग लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर हमने नौगांव थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जिसका मामला तो दर्ज हुआ और कोई लोगों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, दबंगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। शिकायत करने के बाद अब ये दबंग मेरे घर पर आकर आए दिन मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। 3 महीने से पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के चक्कर काट रही हूं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए आज हमने ठान लिया है कि या तो मैं अपने बच्चों सहित मर जाऊंगी या आज उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे। मामला था, हमारे 3 बाह में घर में घुसे थे हल्की वज्जा और बबलू व्यास। हमारे साथ में घटना घटी थी, हम यहाँ रिपोर्ट करने गए थे थाने में, तो कोई सुनाई नहीं, गाली को बंद करके भगा दिया था। और यहाँ पे आप कितने बार आए? यहाँ 3 बार भेज चुके, यहाँ कोई सुनाई नहीं, लोग पैसे वाले थाने पास आए थे साहब के पास। टीकमगढ़ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। इसे सही ढंग से पटरी पर लाने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को अपने हाथ में जिम्मेदारी लेनी पड़ी और कई नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई करनी पड़ी। यातायात पुलिस लोगों पर कार्रवाई करती नजर आई, कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों से पैसा लेकर बाइक छोड़ते हुए नजर आए, बहुत से नाबालिग टैक्सियों को ड्राइव करते दिखे, जिनके पास ना तो प्रोफेशनल लाइसेंस है और ना ही ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और पुलिस के सामने से ही ओवरलोड टैक्सियां लेकर निकल जाते हैं, जिनको पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। हमारे पुलिस कप्तान श्री अनुराग सुजानी एक साहब के निर्देशन में कि नाबालिग बच्चे जो वहाँ चलाते हैं और अपने कोचिंग वगैरह जाते हैं, सुबह भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी फर्राटे भर के बहुत तेजी से वहाँ चलाते हैं, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडित भी
और दूसरा जो नाबालिग बच्चे हैं उनके जो गार्जियंस हैं उनकी भी गलती है कि उनको वाहन नहीं देना चाहिए। उनकी गलती को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5 के तहत गार्जियंस पे भी कार्रवाई होती है। इसी सोच के कि नाबालिग बच्चे जो वाहन न चलाए और उनके साथ कोई ऐसी घटना न हो, और कई बार ऐसा देखा गया कि राहगीर भी जो चलते हैं उनके चपेट में आ जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए हमने लगातार हम 3 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई आवश्यक थी क्योंकि जिस तरीके से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके लिए ये कार्रवाई ठीक चल रही है, लेकिन पुलिस की जो इस संबंध में जो है संदेहास्पद लग रही है क्योंकि जो उनके परिचित के लोग होते हैं उनसे वो राशि लेके उनको छोड़ दिया करते हैं, जो आम नागरिक हैं या सीधे व्यक्ति हैं उनसे वो उनकी उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और उनके विरुद्ध मामले चालान पेश कर रहे हैं, बाकी उनसे पैसे ले रहे हैं। सिवनी के पास 4 लेन सड़क पर फिर एक तेंदुआ मारा गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश यादव ने घटना की पुष्टि की और बताया कि वन अमला मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। बीती रात इस दुर्घटना के बाद सुबह पशु चिकित्सा दल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया और तेंदुए की मौत का कारण किसी भारी वाहन से टकराने को बताया। इसी इलाके में से इस तरह तेंदुए की मौत की ये तीसरी घटना है। वहीं दूसरी ओर लगातार वन्य जीवों की मौत के विरुद्ध मंगवानी वन विभाग के डिपो के सामने समाज सेवियों के धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वन जीवियों की सुरक्षा में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम है। यह तीसरी घटना है जब सड़क दुर्घटना में तेंदुए की मौत हुई है और वन विभाग इसी दिशा में कोई कारगर पहल नहीं कर पा रहा है। किसी को हो ना हो मगर इस कुत्ते को पुलिस पर पूरा भरोसा है, शायद इसीलिए इस नवजात बंदर को इस कुत्ते ने थाने पहुंचाया है। आपको बता दें कि सागर जिले के रहली में जब एक नवजात बंदर अपनी माँ से बिछड़ा तो कुत्ते ने उसे सहारा दिया। कहते हैं कि मदद का कोई चेहरा नहीं होता, मगर इस तस्वीर ने बता दिया कि मदद की शक्ल बहुत ही खूबसूरत होती है। नवजात बंदर अपनी माँ से बिछड़ गया तो फिर कुत्ते के बच्चे ने उसको सहारा दिया। कई घंटों दोनों खेलते रहे, फिर इस मासूम बंदर को कोई नुकसान न पहुंच जाए मानो ऐसा सोचकर यह नन्हा कुत्ता उस मासूम बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर खाकी के दरबार यानी पुलिस थाने पहुंच गया। आम तौर पर बंदर का जानी दुश्मन होता है कुत्ता, लेकिन आज इसी कुत्ते का इस बंदर के प्रति लगाव कुदरत के नियमों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। इस गजब की दोस्ती देखकर बिल्हे चौकी के प्रभारी अवधेश दुबे का भी मन भराया। उन्होंने जवानों से कहकर भूखे बंदर को केले खिलवाए, तब तक अपने दोस्त को अंदर देख कुत्ता भी बाहर खड़ा रहा। चौकी प्रभारी ने इस बंदर को फॉरेस्ट को सौंपा और फॉरेस्ट विभाग से कहा कि वह कोशिश करें कि इस मासूम बंदर को उसकी मां मिल जाए। बहरहाल छोटी सी जान कुत्ते के बच्चे ने एक मासूम बंदर की मदद करके एक बार फिर दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।